अभिषेक बच्चन की अगली फिल्म का हुआ ऐलान, शाहरुख खान के साथ काम करते आएंगे नजर। अभिषेक बच्चन आखिरी बार मनमर्जिया में नजर आए थे, इसके बाद से ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान नहीं किया था, लेकिन हाल ही में अभिषेक बच्चन की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम है बॉब विश्वास। खास बात तो ये है कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन शाहरुख खान के साथ काम करते नजर आएंगे, लेकिन शाहरुख खान फिल्म में बतौर एक्टर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। इस फिल्म को लेकर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट भी किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभिषेक बच्चन ने बॉब विश्वास के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, अपनी अगली फिल्म बॉब विश्वास के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, इसके शुरू होने का इंतजार नहीं हो रहा। इस फिल्म में अपने पसंदीदा कलाकार शाहरुख खान, गौरी खान, सुजॉय घोष, गौरव वर्मा और दया अन्नपूर्णा घोष के साथ काम कर रहा हूँ। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने हाल ही में अपने पोस्ट के जरिए अपने टेक्नीशियन की मौत का दुख जाहिर किया। अक्षय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए निमेश पिलंकार के निधन की खबर शेयर की है और साउंड टेक्नीशियन के परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। अकी ने अपने पोस्ट में लिखा, वेरी सैड टू लर्न अबाउट द पासिंग अवे ऑफ निमेश पिलंकार दैट टू एट सच अ यंग एज। माई हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली एट दिस डिफिकल्ट टाइम। आपको बता दें, निमेश अकी लास्ट टाइम फिल्म हाउसफुल 4 के साउंड टेक्नीशियन की टीम का हिस्सा थे। खबरों की माने तो निमेश हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। आपको बता दें, निमेश सलमान की फिल्म रेस 3 के लिए भी काम कर चुके हैं। फिल्म थलाइवी के लिए भरतनाट्यम सीख रही कंगना की वीडियो को बहन रंगोली ने किया शेयर। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म थलाइवी इस वक्त काफी चर्चा में है। इस फिल्म में कंगना रनौत तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म से कंगना का पहला लुक सामने आया था। उनके इस लुक की लोग काफी तारीफें कर रही हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें इस लुक के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। वेल, भले ही कंगना के लुक की बात हो, लेकिन कंगना इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, इसका सबूत भी उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दरअसल हाल ही में रंगोली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कंगना की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में कंगना अपनी फिल्म थलाइवी के लिए भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करती दिख रही है। वीडियो में देख साफ पता चल रहा है कि कंगना अपने एक्सप्रेशंस और डांस स्टेप्स को बखूबी तरीके से कर रही है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही खबरों में बनी हुई है। आमिर की ये फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक है और इस फिल्म में आमिर के साथ साथ करीना कपूर खान भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म का मोशन पोस्टर और फर्स्ट लुक भी आउट हो चुका है और अब खबरें हैं कि आमिर के इस फिल्म के साथ एक नया नाम भी जुड़ सकता है। खबरों की माने तो साउथ एक्टर विजय सेतुपति भी आमिर की फिल्म का हिस्सा होंगे। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन विजय खुद फिल्म में होने का हिंट दे चुके हैं। शशांक खेतान की अगली फिल्म में भूमि पेडनेकर के साथ वरुण धवन करेंगे रोमांस। फिल्म मेकर शशांक खेतान पहले ही वरुण धवन के साथ कुछ बड़ी हिट फिल्में बना चुके हैं। शशांक खेतान ने खुलासा किया है कि वो एक बार फिर से वरुण धवन के साथ टीम अप करने जा रहे हैं और वो भी अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। सोर्सेज की माने तो फिल्म के लिए एक्ट्रेस का नाम भी फाइनल हो चुका है। सोर्सेज ने बताया, शशांक चाहते हैं कि वो अपने फिल्म में अच्छे एक्टर को लें जो मूवी में शानदार काम कर सके। एक्ट्रेस को लेकर शशांक खेतान चाहते हैं कि वो भूमि पेडनेकर को फिल्म ऑफर करें। ये कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म है। भूमि पेडनेकर को भी फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आया है। हालांकि अभी भूमि पेडनेकर ने फिल्म साइन नहीं की है। मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि 2020 के सेकेंड हाफ से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। अगर ऐसा होगा तो पहली बार बड़े पर्दे पर भूमि पेडनेकर और वरुण धवन एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया योग वीडियो। अर्जुन कपूर के चाचा संजय कपूर ने किया वीडियो पर कमेंट। मलाइका अरोड़ा अपने फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट रहती हैं और अगर वो शहर में हैं तो कभी भी जिम जाना नहीं भूलती। आए दिन मलाइका अरोड़ा अपने जिम लुक में स्पॉट होती हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट योगा और जिम सेशन के फोटोज और वीडियोस से भरा हुआ है। हाल ही में मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और अपनी योगा क्लास का वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, दुनिया कई चुनौतियों के साथ खूबसूरत जगह है और हम अपनी जर्नी में बदल जाते हैं। एक चीज जो हमेशा बनी रहती है, उसके लिए पावर की जरूरत होती है। मेरा हमेशा से मंत्र रहा है, हम झुकना सीखते हैं ताकि हम शायद ही कभी टूट सके। आपको बता दें, मलाइका के इस वीडियो को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसे हम आपको बॉलीवुड 2020 में दिखा रहे हैं।
बागी 3 के शूटिंग के दौरान टाइगर ने शो ऑफ किए बास्केटबॉल मूव्स। सोशल मीडिया पर टाइगर ने शेयर किया वीडियो। टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। टाइगर इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वो मस्कुलर बॉडी के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। हाल ही में टाइगर ने एक और वीडियो शेयर किया, लेकिन वीडियो में टाइगर अपने बास्केटबॉल मूव्स को फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं। अगर आप भी अर्जुन और परिणीति को फिर एक साथ देखने का इंतजार कर रही हैं, तो जल्द ही आपका इंतजार खत्म होगा, क्योंकि बहुत जल्द दोनों संदीप और पिंकी फरार में नजर आएंगे। वेल, फिल्म की रिलीज डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसको लेकर अर्जुन ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। अर्जुन कपूर ने पानीपत के प्रमोशन के दौरान इस बात का खुलासा किया कि फिल्म संदीप और पिंकी फरार की रिलीज को यशराज मर्दानी 2 की रिलीज के बाद अनाउंस करेगा। आपको बता दें, अर्जुन और परिणीति ने काफी वक्त पहले ही फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है। फिल्म पहले 2019 में रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म किसी वजह से 2019 में रिलीज नहीं हो पाई थी और फिल्म की डेट को पुश कर दिया गया था। अब फिल्म की रिलीज डेट क्या होगी, इसकी अपडेट बॉलीवुड 2020 आपको सबसे पहले देगा। फिल्म धड़क से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली जानवी कपूर अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। अक्सर जानवी को जिम के बाहर स्पॉट किया जाता है। रिसेंटली जानवी के जिम ट्रेनर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानवी के साथ एक वीडियो शेयर की है, जिसमें जानवी नम्रता एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही है। अपने फिटनेस को जानवी काफी सीरियस ली लेती है और अपने जिम रूटीन को भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान अगले साल से शुरू करेंगे फिल्म बंटी और बबली 2 की शूटिंग। दमदार रोल में नजर आएंगी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली का सीक्वल आ रहा है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी तो होंगी ही, लेकिन उनके साथ अभिषेक बच्चन नहीं बल्कि सैफ अली खान लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और अब इस फिल्म की स्टार कास्ट में गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी और शार्वरी वाघ नजर आएंगे, और इन्होंने कुछ हिस्सों की शूटिंग भी शुरू कर ली है। और अब सुनने में आ रहा है कि रानी मुखर्जी और सैफ अली खान अपने हिस्से की शूटिंग अगले साल 2020 जनवरी से शुरू करेंगे। सोर्सेज की माने तो बंटी और बबली में रानी लीड रोल में नजर आई थी और उन्हें इस फिल्म में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खूब सराहा गया था, इसीलिए अब इसके सीक्वल में रानी का किरदार काफी दमदार होगा। रानी इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2020 में शुरू करेंगी। मर्दानी 2 के प्रमोशन के बाद वो इस फिल्म की तैयारी में जुट जाएंगे। मार्च 2020 के मिड में उनकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन इन दिनों सभी डायरेक्टर्स के फेवरेट बने हुए हैं। मिस्टर आर्यन के पास बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। कार्तिक जल्द ही फिल्म पति पत्नी और वो में नजर आने वाले हैं। फिल्म की पूरी टीम फिल्म के प्रमोशंस में बिजी चल रही है। वहीं फिल्म मेकर फैंस के बीच लगातार बस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मेकर्स ने पति पत्नी और वो का एक डायलॉग ट्रेलर शेयर किया है, जिसमें चिंटू त्यागी अपनी बीवी के भागने पर परेशान नजर आ रहे हैं। बीवी भागी है, साले क्या कहते तुम लीचड़ आदमी, इस हनुमान के रहते भगवान राम को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लग गई ना लंका है। फिल्म भूल भुलैया के सेकंड स्केड्यूल की शूटिंग को अगले साल जनवरी से शुरू करेंगे कार्तिक और कियारा। कार्तिक और कियारा अपनी अगले फिल्म भूल भुलैया की शूटिंग को पहले से शुरू कर चुके हैं। फिल्म से कार्तिक का पहला लुक भी सामने आ चुका है। फिल्म के पहले पार्ट को ऑडियंस से बेहद अच्छा रिस्पांस मिला था और अब फैंस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। खबरें हैं फिल्म के सेकंड स्केड्यूल के लिए कार्तिक और कियारा अगले साल जनवरी से शूटिंग शुरू करेंगे। इस बार तब्बू भी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बनेंगी। भूल भुलैया के इस लॉन्ग स्केड्यूल में सिर्फ कियारा और कार्तिक ही नहीं बल्कि फिल्म की पूरी टीम उन्हें ज्वाइन करेगी, और इस बात को खुद डायरेक्टर अनीस बस्मी ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है। जिनेलिया डिसूज और रितेश देशमुख का बेटा बीते सैटरडे को 5 साल का हो गया। बेटे के बर्थडे पर जिनेलिया और रितेश ने शानदार पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कई बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे आए थे। बेटे रियान के 5 साल होने पर जिनेलिया ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिनेलिया ने रियान के साथ मस्ती करते हुए फोटो शेयर की, साथ ही लिखा, प्यारे रियान, हर माता पिता कहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा ना हो और वो इस उम्र को हमेशा यही रोक दे,
लेकिन मैं तुम्हें बड़े होते देखने का हर साल इंतजार करती हूँ और उसे एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी बनता देखना चाहती हूँ। मैं आपको उड़ने के लिए पंख देना चाहती हूँ और मुझे उन पंखों के नीचे हवा बनना पसंद है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव के परिवार में आज सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि आज उनका बेटा आजाद 8 साल का हो गया है। इस मौके पर आजाद की बहन इरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। इरा ने आजाद को बर्थडे विश किया और उसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की। इरा इस पोस्ट में आजाद के साथ नजर आ रही है। उन्होंने कई तस्वीर शेयर की है। इसमें नजर आ रहा है कि दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। इरा आमिर की एक्स वाइफ रीना दत्ता की बेटी है। पहली पिक्चर में इरा एक ड्राइंग देख रही है। ये ड्राइंग शायद आजाद ने ही बनाई है, जिसे वो चेक कर रही है। दूसरी पिक्चर में आजाद ने ग्लास पहने हुए हैं और वो तस्वीर के लिए पोज दे रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने की सलमान खान की तारीफ, कहा सलमान की फिल्मों का अलग ही है अंदाज। रणदीप हुड्डा सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में रणदीप हुड्डा का कहना है कि सुपरस्टार सलमान की फिल्म खुद में एक शैली है। रणदीप ने कहा, फिल्म किक में मैंने सलमान को बदला, सुल्तान में मैंने सलमान को ट्रेनिंग दी और अब फिल्म राधे में हम एक दूसरे का आमना सामना करते हुए नजर आएंगे। रणदीप ने आगे कहा, सलमान की फिल्म खुद में ही एक शैली है और मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह का माहौल है। एक कलाकार के तौर पर मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कलाकार को सभी माहौल और काम करने के स्टाइल को अपनाना चाहिए और मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। रणदीप ने कहा, सलमान खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे में उनके साथ काम करना मेरे लिए काफी एक्साइटमेंट भरा है। उनके जरिए मेरा काम काफी लोगों तक पहुंचता है। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इन्हीं एक्टिविटीज को हम करते हैं कैप्चर। तो शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां स्पॉट किया। सबसे पहले हमने पति पत्नी और वो की स्टार कास्ट को अपनी फिल्म के प्रमोशन पर स्पॉट किया। इस दौरान तीनों ही स्टार्स ने फैंस के साथ ढेर सारी मस्ती की। इसके बाद वरुण धवन और सोरा भास्कर को हमने स्कल्पचर जिम के बाहर स्पॉट किया। इस दौरान दोनों को हमने कैजुअल लुक में देखा। मौनी रॉय को हमने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। फिल्म पानीपत के प्रमोशन के दौरान अर्जुन कपूर और कृति सेनन को अपने कैमरे में हमने कैप्चर किया।